我给他们那个什么，你看，这个不给他们那个什么，这个。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 你看，这个不给他们那个什
ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਚੱਕ ਉਤਰਾਉਣੀ ਜੀ। सदर दीन दीवान। तो क्या हुआ है? ये सर मैंने मक्की बीज लिया था इन एग्रीकल्चर वाले से शेयर मार्कर, तो 550 रुपये पर बैग मैंने लगाया, अच्छी मेहनत की, आज काटने का टाइम आया तो ये पूरा खाली है। अब मेरे बाल बच्चों का मसला है, अब बताओ मुझे कैसे इसका कंपनसेशन मिलेगा। पूरा 8 कनाल में मैंने लगाया, पूरा का पूरा खाली पड़ा हुआ है। सुबह भी मैं उनके पास गया, वो कह रहे हैं आपको हम ले देंगे, ट्रैक्टर ले देंगे सब्सिडी पर। अब जब खेत ही खाली है, ट्रैक्टर को मैं क्या करूँ? अभी मैं डी साहब के पास भी आया तो वो भी कह रहे हैं चलो हम उनको फ़ोन करेंगे। मैं यही कहना चाहता हूँ मुझे इसका कंपनसेशन मिलना चाहिए। अब मेरे बाल बच्चों का मसला है, तो साथ वाले फसल ले जाएंगे तो मैं खाली ये क्या ले जाऊँ एग्रीकल्चर का डंडा। मालूम ना मेरा जनाब तो ये बीज इन्होंने दिए जो बहुत गलत बीज साबित हुए सारे, तो अगर ये लाते जमींदार मर के भुखे भी करेंगे कैसे? तो इस पर क्या करना चाहिए उसके चाहिए क्लेम देन सारी जमीन जमीन ला नहीं कि गलत है। शाह नवाज दीवान। तो बताएंगे कि क्या हुआ है ये? ये सर मेरे चाचे ने मक्की ली थी इनसे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वालों से, तो ये बीजी थी 8-10 कनाल में, तो बाहर से इतना खूबसूरत लग रहा था कि बहुत ज़बरदस्त है, साथ वाले बोल रहे थे बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन आज जब काटने का टाइम आया तो बीच में 8 कनाल में खाली डंडे ही दिख रहे हैं और इनके साथ कोई भी जो दाना नहीं वो नहीं है। इस बेचारे गरीब के बच्चे क्या खाएंगे? पूरा जो पूरी साल मेहनत करके और साल के बाद जब फसल काटी तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वालों ने ये नाकस बीज पता नहीं किस कंपनी के साथ मिलके रिश्वत लेके उनसे पैसे खा के पता नहीं कौन सी कंपनी से ये बीज लिया हुआ है, और जो कि इस बेचारे गरीब किसान की ये हालत है, इसके बच्चे क्या खाएँगे? मैं डी साहब से और पूरी एडमिनिस्ट्रेशन से ये कहना चाहता हूँ कि कम से कम इस बेचारे के बारे में भी कंपनसेशन हो जाए और इस डिपार्टमेंट को कम से कम इनको खींचा जाए कि कौन सी कॉम्पनी से आप, आप कोई क्लेम कर रहे हैं डिपार्टमेंट के ऊपर? हाँ मैं डिपार्टमेंट से यही क्लेम करता हूँ कि इसका साल का जो जितना भी खर्चा है इसका ज़मीन का जितनी भी इसको मुआवजा बनाया जाए और इसको कंपनसेशन दिया जाए, ताकि ऐसा आइंदा ऐसे किसी ज़मींदार के साथ ऐसा बुरा हाल ना हो।